शारदीय नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को भागलपुर के दुर्गा मंदिरों में माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जिले के दुर्गाबाड़ी और कालीबाड़ी समेत विभिन्न बंगला पूजा पंडालों में मंदिरों का पट खुल गया, जिसके बाद भक्तों ने पूरे भक्तिभाव से माँ महिषासुर मर्दिनी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की। वहीं दुर्गाबाड़ी और कालीबाड़ी समेत कई मंदिरों में गुरुवार को रात्रि माता की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से वेदी पर चढ़ाया गया, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह महिलाओं के द्वारा षष्ठी पूजा किया गया, जबकि माता के दरबार में बंगला विधि से पूजा करते हुए ढोल ढाक बजाकर देवी की आराधना की गई। इसके अलावा शहर के मुंदीचक, इशाकचक, बिकनपुर, मिर्जानहाट, माड़वाड़ी पाठशाला, बरारी, आदमपुर, तिलकामांझी समेत अलग अलग मोहल्लों में दुर्गा मंदिरों में पूरे उत्साह के साथ माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान से की गई। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कात्यायन ऋषि की पुत्री स्वरूप में प्रकट होने के कारण कात्यायनी नाम से इनकी ख्याति हुई। माता कात्यायनी आमोद फलदायिनी है और भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने भी इनकी पूजा कालंदी यमुना तट पर की थी। ये देवी ब्रिजमंडल की अष्टधात्री हैं और इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला है, जबकि इनकी पूजा निष्ठा के साथ करने वालों को सुख समृद्धि मिलने के साथ जीवन में विशेष कृपा प्रदान होती है। शनिवार को माँ के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाएगी, जिसके साथ ही भागलपुर समेत सभी जगहों के दुर्गा पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्तिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना और मेला की भी शुरुआत हो जाएंगी। वहीं मशाकचक स्थित दुर्गाबाड़ी और मानिक सरकार स्थित कालीबाड़ी समेत कई जगहों पर दुर्गा मंदिरों में सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के भोग को लेकर भी व्यापक तैयारी की गई है। बता दें कि शहर में सभी दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। माता कालरात्रि की पूजा के साथ ही देवी की प्रतिमा का दर्शन और मेला की शुरुआत हो जाएगी। इधर दुर्गाबाड़ी पूजा समिति के सचिव सुजय सर्वधिकारी ने बताया कि पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के पूजन के साथ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जबकि दशमी के दिन ही विसर्जन, पूजन और महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला के साथ प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया जाएगा। दुर्गाबाड़ी में आज तो षष्ठी का पूजा हो गया, कल सप्तमी है, करीब 700-800 भोग का वितरण होगा, जो उसका तैयारी अभी चल रहा है पूरी दम से। और इसमें हम लोग मिठाई 5 तरह का भुजिया, खिचड़ी और खीर ये सब माँ के पूजा में देंगे, उसके बाद उसका वितरण होगा। और अष्टमी के दिन हम लोग का संधि विशेष पूजा, जो संधि पूजा होता है, संधि पूजा वो हमारा शाम के समय में होगा। उसके बाद संधि पूजा के बाद फिर हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम होगा, और आज भी हम लोग का बच्चों लोग का कल्चरल प्रोग्राम छठ पूजा में होगा। और नवमी के दिन भी हम लोग का ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था किया गया है, जो लोग बहुत माने हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब किया जाएगा। और दसवीं के दिन हम लोग का जो परंपरा जैसे भक्त विसर्जन होता है, हम लोग पैदल जाते हैं मूर्ति माँ का विसर्जन हम लोग मायागंज घाट में। बिहार सरकार के निर्देश पर जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल की देखरेख में सनोखर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेश खोर परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सभी विभाग के पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग में चलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हर नागरिक को मिले यह सुनिश्चित करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में कई सड़कें और नालों का निर्माण हुआ है, जबकि बिजली की स्थिति भी पहले से काफ़ी अच्छी है, जिसका लाभ किसानों को सिंचाई में भी मिल रहा है। इसके अलावा शिक्षा, साफ सफाई और रोजगार समेत कई क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की बात पदाधिकारियों ने कही। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार प्रशासनिक क्षेत्र में भी अच्छी कार्य कर रही है और महिलाओं की सुविधा के लिए महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक थाने में महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उसका त्वरित निदान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत होने वाली घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा भी मिल रही है। इधर विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी
और उसके समाधान की गुहार लगाई, जिस पर पदाधिकारियों ने भी समस्या के निवारण का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। देखिए जनसंवाद के अवसर पर उद्देश्य सरकार जो लोक कल्याण योजनाएं चला रही है उनमें और कैसे प्रभावकारी है, लोगों तक और कैसे पहुँच रहे, उनके सुझाव प्राप्त हैं। कई सुझाव आए हैं, उनके जो सुझाव जिस स्तर पर काम हो पाएगा, लागू हो पाएगा, उस स्तर पर किया जाए। सर कई जगह जनसंवाद कार्यक्रम हुआ सर, लेकिन जो है जनप्रतिनिधि जो है जनता की समस्या को अधिकारी तक बताने में जब जाते हैं तो उसको बात को दाब देता है, जाने नहीं। कई जगह से नहीं तत्पर्य, यहाँ से आए हैं तो इनके बारे में भी बात करेंगे। जितने भी सुझाव या शिकायतें प्राप्त हुई है उसको लिया गया है और जिस स्तर पर से निदान हो पाएगा उस स्तर। आरएसएस द्वारा सुल्तानगंज में गुरुवार को पथ संचालन निकाला गया। विजयादशमी के पूर्व पथ संचालन में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। नई सीढ़ीघाट यात्री सेट से पथ संचालन की शुरुआत हुई, जो नगर भ्रमण करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर मिजगांव में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए दक्षिण बिहार प्रांत के प्रचारक आशीष कुमार ने कहा कि स्वयंसेवक हर दिन शाखा में अवश्य जाएं, जहां उन्हें नई ऊर्जा के साथ सकारात्मक भाव मिलेगा, जिससे शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने विजयादशमी की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए हिंदुओं को भारत के विकास में एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही। वर्ष 2025 में आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, जिसकी तैयारी की जाएंगी। स्वयंसेवकों से भी पूरे उत्साह के साथ शताब्दी वर्ष की तैयारी में लग जाने की बात कही गई। इस दौरान नव सभापति राजकुमार गुड्डू, विभाग प्रचारक शुलेंद्र कुमार, जिला कार्यवाह निर्भय कुमार, नगर कार्यवाह बलराम कुमार सहित नगर के सभी स्वयंसेवक व गणमान्य लोग मौजूद थे। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के भक्त मैया की भक्ति में लीन होते हैं। सबकी भक्ति करने का अपना अपना तरीका होता है। बता दें कि सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के नारदपुर दुर्गा स्थान में दो अनोखे भक्त देखने को मिले हैं। यहाँ मन्नतें पूरी होने पर अशियाचक गांव निवासी कैलाश मंडल के पुत्र सुशांत कुमार 2 वर्षों से एवं जगन्नाथ मंडल की पुत्री रूबी देवी 3 वर्षों से दुर्गा स्थान के प्रांगण में धरती पर लेटकर अपने सीने पर 9 दिनों तक कलश स्थापित कर मैया की पूजा करते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम सिंधु कुमारी है, मैं भागलपुर की बड़ी पोस्ट ऑफिस की रहने वाली हूँ। मैं चीनी से 3 साल से बहुत परेशान थी, तो कभी अंग्रेजी दवाई खाते थे, कभी छोड़ते थे, लेकिन घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ ही रहा था। तो हमको यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर ए के राय का पता चला, तो उन्हीं के कंसर्निंग में हम आए और दवाई 1 सप्ताह खाने के बाद हमारा शुगर लेवल जो है डाउन होना स्टार्ट हो गया। 1 में हमको शुगर हुआ था, अब मैं शिक्षिका थी, और 1 में जैसे ही 2021 में रिटायर किए हम, वैसे मई में हमको कोरोना चीनी स्टार्ट हो गया। और तब से आम का सीजन जब आता था तो तरस जाते थे आम खाने के लिए, कभी आम खाए भी नहीं। इस बार जब इनका दवाई हम खाए तो आम भी अच्छा से भरपूर खा रहे हैं, और उसके बाद शुगर लेवल तो जितना बार भी कराए सब दिन हमारा डाउन 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 हो। मेरा रोटी चावल आम जो भी मतलब खाने का रहता सारा चीज खा के उसके बाद हम जांच कराए, तो क्या कहता है, मेरा 2 घंटा बाद जांच कराए, मेरा रिपोर्ट 143 आया, और दवाई टोटल बंद है। 15-20 रोज से दवाई हम नहीं खा रही हूँ, वैसे मतलब खाना पीना जैसे रूटीन चलता है चलाए, उसके बाद जांच कराए तो 143 मेरा आया। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू इन दिनों अपनी गाड़ी पर लगाए गए सायरन को लेकर काफी चर्चा में हैं। दरअसल नगर परिषद के अध्यक्ष अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में प्रशासनिक सायरन लगाकर घूमते देखे जा रहे हैं, जिसे लोगों द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना बताया जा रहा है।
लोगों का कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि प्रशासनिक सायरन लगाकर उसका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद सुल्तानगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू प्रशासनिक सायरन अपनी गाड़ी में लगाकर उसका उपयोग भी करते हैं, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।